नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। झांसी जिले की बबीना विधानसभा से वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव उर्फ वीरू भैया समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। इसीलिए पिछले कई दिनों से वे अपने समर्थकों के साथ बबीना विधानसभा के कई ग्रामों का दौरा कर रहे हैं और ग्रामों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को उन्होंने बबीना ब्लॉक के ग्राम अमरपुर रक्षा में नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित घोड़ा दौड़ एवं बालक बालिका दौड़ प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कराया और विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों की हौसला अफजाई करते हुए सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह भी ग्रामीण अंचल से हैं, इसलिए ग्रामीणों के दुख दर्द को भली भांति समझते हैं। गांव में इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए, इससे खेल प्रतिभाओं में निखार आता है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीणों को जब भी उनकी ज़रूरत महसूस होगी तो वे ग्रामीणों के साथ खड़े दिखाई देंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट। एडवाइस देखा था जो मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे एडवाइस किया गया था कि मतलब कंपटीशन है और मुझे खेलना है, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर कि कंपटीशन है। मैंने पार्टिसिपेशन भी किया और सेकंड प्राइज अचीव भी किया। क्या कहना चाहोगी और बहनों से? मैं तो इतना बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने देखा गाँव में काफ़ी सारी गर्ल्स है, तो अच्छा अचीव कर सकती है। अगर हम जैसे हम कर सकते हैं तो और भी गर्ल्स कर सकती है। बस अगर उन्हें अच्छी गाइडलाइंस मिले, उन्हें मतलब सपोर्ट मिले आगे जाने के लिए, तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। वैसे मुझे भी अभी 15 तारीख को नागालैंड खेलने जाना है, नेशनल है मेरा FI का, तो ऊपर नेशनल खेलने जाना है मुझे 10 किलोमीटर। धन्यवाद। गांव के होने के साथ साथ आज आपने एक कर्तव्य निभाया और गांव की बच्चियों की दौड़ करा रहे हैं, इसमें इस सौभाग्य को आपने दिमाग में कैसे लाया कि हम ये दौड़ कराकर अपने गांव के विकास की क्या कराए रखें? भैया, इस आयोजन को कार्यक्रम को सफल बनाया सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, जी क्षेत्रवासियों के, हमारे सब लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य, हमारे क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य रहे और उन्होंने फीता काटकर उसका उद्घाटन, और अभी बालकों की दौड़ चल रही है, घोड़ा दौड़ भी होगी, उसके बाद हमारे वीरू भैया उसका पुरस्कार वितरण करेंगे। ऐसा क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो सभी जनता तक? हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी गांव में ग्रामवासी हैं, सभी को वीरू भैया से अच्छा स्नेह प्रेम है। सभी लोग वीरू भैया के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा काम करते हैं। उन्होंने काम किया, उन्होंने काम किया है क्षेत्र में और काम करते रहे साल, यहाँ के जिला पंचायत सदस्य रहे। हाँ भैया, आपके द्वारा क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? देखिए, ये अमरपुर में हमारी टीम ने जी आज के घोड़ा दौड़ और बालक और बालिकाओं की दौड़ का कार्यक्रम किया जी। कहाँ से कहाँ तक? देखिए, ये तो मैं कह सकता हूँ अमरपुर गांव से जो बरुआ तगेरा है वहाँ तक की दौड़ का कार्यक्रम किया गया जी। और निश्चय ही मैं कह सकता हूँ क्षेत्र की छुपी हुई प्रतिभाएं होती हैं जी, और निश्चय ही इन्हीं खेलों से निकाली जा सकती है। जो गांव में आज लोग हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो जिनको कहीं मौका नहीं दिया जा रहा, या हमारे जो बेटे हैं जिनको कहीं मौका नहीं मिल पा रहा खेल कूद में, और जो प्रतिभाएं गांव की हैं, चूँकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बाहर जाकर या बड़े लेवल पर इन प्रतिभाओं में भाग लें जी, उन प्रतिभाओं को बाहर उभारने के लिए उन इस गांव की मिट्टी से जन्मे एक बेटी बेटे को राष्ट्र स्तर पर नाम करने के लिए हमने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जिन लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है उनके लिए क्या पुरस्कार रखे गए हैं आपके द्वारा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय? हमने घोड़ा दौड़ में 11,000 रुपये रखे हुए हैं जी, सेकंड को 51 रखे हैं जी, और तीसरे को 2100 रुपये रखे हैं जी। ऐसे ही बालिकाओं में 5100 रुपये, 2100 रुपये और 1100 रुपये। कहाँ कहाँ से बालिकाएं आई हुई? ये क्षेत्र तमाम आसपास के क्षेत्र से, मैं कहूँ चाहे पूरे झांसी जिले और यहाँ लगा हुआ मध्य प्रदेश भी, मध्य प्रदेश से भी तमाम बालिकाएं। और खासकर तो जो उत्साह है लोगों में वो घोड़ा दौड़ का है जी। ये प्रतिभाएं बहुत पहले से छुपती जा रही है, ये पहले हुआ करती थी, इन प्रतिभाओं में लोग बहुत आगे आया करते थे,
लेकिन धीरे धीरे इन प्रतिभाओं को छुपाया जा रहा है। उन प्रतिभाओं को उजागर करके जो पुराने लोग थे उन पुराने लोगों में एक नई ऊर्जा भरने के लिए हम लोगों ने ये दौड़ रखी है और निश्चय ही तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं चीज़ों से हम चाहते हैं, इन्हीं आज हो सकता जो बच्चे और बच्चियाँ यहाँ दौड़ रही हैं, आने वाले समय में हो सकता उत्तर प्रदेश में और देश में इन्हीं में से कोई बच्ची निकल कर इस क्षेत्र का नाम रोशन करेगी। ये शुभकामनाएं हमारी उन बच्चियों और बच्चों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।